वाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज। अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आने के लिए पूरी जद्दोजहद लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी भी लगातार पैंतरे आजमा रहे हैं। लगातार वो कोर्ट में इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं जिससे अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने में आसानी हो, लेकिन इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं के कोर्ट को भाती हुई नहीं नजर आ रही है। वहीं लगातार देखा जाए तो सीबीआई की ओर से जो भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो डीपी सिंह है वो पेश हुए और वो अभिषेक मनु सिंघवी से बहस की शुरुआत करते हैं और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मामले में आज अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। वहीं सिंघवी ने अपनी अदालत में कहा, उन्होंने दलील दी कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे ये लगातार ईडी उनको फंसाने के लिए कोशिश कर रही है और वो जेल से बाहर आ सकते हैं लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज मैं अदालत से सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत की मांग कर रहा हूँ, इस तरीके से सिंघवी कहती है। और जबकि उन्होंने कहा कि ये पीएमएलए का मामला भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दो आदेश ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को रिहा होना चाहिए और वे उसके हकदार हैं और उन्हें देश छोड़कर जाने का भी खतरा नहीं है। सिंघवी ने अपनी दलील में ये भी कहा कि दो साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन मिला था, लेकिन ये गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल 2023 को उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई और 21 मार्च 2023 से पहले सीबीआई ने उन्हें कभी नहीं बुलाया और इसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने एक साल तक कुछ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी और वह 2 जून को वापस तिहाड़ जेल आ गए। इस तरीके से दलीलें तो देते हैं लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कि ईडी के मामले में निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है और उसके बाद उन्हें वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया और 26 जून को सीबीआई एक्टिव हो गई और केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी फिर अंतरिम जमानत नहीं दी। अब ऐसे में लेकिन सीबीआई के इस एश्योरेंस अरेस्ट की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके, मकसद किसी भी तरीके से उनको जेल में रखने का है। अभिषेक मनु सिंघवी इस तरीके की दलील देते हैं और कहते हैं कि 2 साल के बाद अचानक सीबीआई उनकी गिरफ्तारी करती है। उन्हें कहा जाता है कि सीबीआई ये नहीं बता पाई कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई है और इस मामले में कानून के नियमों का उल्लंघन क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, कोई आतंकवादी नहीं है, उन्हें जमानत मिले। ऐसे में ईडी के मामले में निचली अदालत ने मुझे नियमित जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 25 जून को एक अर्जी दाखिल की गई और पूरी अर्जी में सिर्फ एक आधार था जिसे लेकर निचली अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी की अनुमति दे दी थी और आर्टिकल 21 और 22 की इस मामले में अनदेखी हुई और गिरफ्तारी का केवल एक आधार बताया गया है और वह सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को घेरा है और तमाम तरीके की दलीलें दी हैं और ऐसे सबूत दिए हैं, ऐसे लूपहोल्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर में आते हुए दिखाई देते हैं। वैसे में अगर अरविंद केजरीवाल को इसका फायदा मिलता है और उनका जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ जाता है तो जाहिर तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार करने के लिए केजरीवाल बाहर आएंगे और आम आदमी पार्टी को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सिसोदिया के भी केस की जो सुनवाई है वो 29 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में केजरीवाल की भी 29 जुलाई को सुनवाई हो सकती है, 22 जुलाई को हो सकती है। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें जो अभिषेक मनु सिंघवी सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं, उसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल इस बार अगर ईडी से उनको राहत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, अगर सीबीआई से भी मिल जाती है तो जाहिर तौर पर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल उनको जेल से बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत होगी या नहीं होगी, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतने ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन।